रात भर से हो रही भारी बारिश और खराब मौसम के चलते अमरनाथ यात्रा को स्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। अनंतनाग जिले के पहलगाम इलाके और मध्य कश्मीर के सोनमर्ग में नुवान और बालटाल शिविरों से किसी भी तीर्थयात्री को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा रही। नुवान बेस कैंप में अभी 30,000 यात्री ठहरे हुए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि कश्मीर में बारिश का सिलसिला बीती रात को भी शुरू हो गया था, जिस वजह से बालटाल और पहलगाम इलाके में भूस्खलन की आशंका रहती है। श्री अमरनाथ यात्रा की पवित्र गुफा पर भी मौसम साफ नहीं है, बारिश की वजह से ठंड भी काफी बढ़ गई है। यही वजह है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए बारिश थमने और मौसम के साफ रहने तक यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। शिविरों में रोके गए श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। आधार शिविरों में श्रद्धालुओं के लिए सभी तरह के इंतजाम किए गए। इस बात की जानकारी वहाँ के अधिकारियों ने दी है। आपको बता दें, अब तक 60,000 से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं और 5 की मौत हो गई है। 43 दिवसीय अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू हुई थी, जो कि 11 अगस्त को समाप्त होगी। 370 हटने के बाद ये पहली यात्रा है। ऐसे में आतंकी हमले की आशंका है। इसी के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, जिसमें अमरनाथ धाम की ओर जाने वाले वाहनों के मार्गों पर 130 से अधिक खोजी कुत्तों के इस्तेमाल पर विशेष जोर दिया गया है। वहीं अमरनाथ यात्रा हिमालय के ऊपरी भाग में स्थित भगवान शिव के 3,880 मीटर ऊंचे गुफा मंदिर का तीर्थ। चूंकि अमरनाथ यात्रा 2 साल के अंतराल के बाद खतरे के बीच शुरू हुई, इसे सुरक्षित तीर्थयात्री सुनिश्चित करने के लिए विस्फोटकों का पता लगाने के साथ साथ अधिकारियों के सुरक्षा बलों के साथ 200 उच्च शक्ति वाले बुलेट प्रूफ वाहनों को संवेदनशील स्थानों पर रखा गया है। चरम आतंकी खतरों के बीच सुरक्षा तीर्थयात्रा सुनिश्चित करने के लिए तीर्थयात्री की ओर जाने वाले वाहन मार्गों पर कई सारे कुत्तों को भी तैनात किया गया है। वहीं कई अधिकारियों का कहना है कि बारिश थमते ही दोनों मार्गों का तुरंत जायजा लिया जाएगा। जैसे ही यात्रा मार्ग श्रद्धालुओं के लिए सरल हो जाएंगे, वैसे ही अमरनाथ यात्रा को फिर से शुरू कर दिया जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।